longest repeating character replacement. You are given a string s and an integer k. You can choose any character of the string and change it to any other uppercase English character. You can perform this operation at most k times, return the length of the longest substring containing the same letter you can get after performing the above operation. तो एक स्ट्रिंग एस गिवन है, यहाँ पे ए बी गिवन है और के इज इक्वल टू टू गिवन है. तो अपन यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन एट मोस्ट के टाइम्स. अपन के टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या? कोई भी कैरेक्टर को अपन अदर अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर में चेंज कर सकते हैं और अपने को रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कंटेनिंग द सेम लेटर. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ए बी ए बी, तो ये दो बी को अपन दो ए में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये अपन ऑपरेशन दो ही बार कर रहे हैं एट मोस्ट के टाइम्स. तो ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, तो चारों लेटर ए हो जाएंगे. तो मैक्स आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, दैट इज़ 4. और यहाँ पे ए ए बी ए बी बी ए, और अपन मैक्सिमम एक ही टाइम ऑपरेशन कर सकते हैं कोई भी लेटर को दूसरे लेटर में चेंज करने का. तो ये जो बी दिख रहा है अभी, इसको अपन ए में कन्वर्ट कर देंगे तो 4 ए आ जाएगा. तो ये एक आंसर हो सकता है, या ये बी ए बी बी को ये ए को अपन बी में कन्वर्ट कर देंगे तो 4 इसका आंसर आ जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो यार विंडो गिवन है यहाँ पे, रिटर्न क्या करना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग. जहाँ पे भी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग या सबस्ट्रिंग सब एरे आ जाता है तो स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है. और बाद में यहाँ पे अपने को लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालने का है. लेंथ ऑफ निकालने का मतलब वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो. अगर लेंथ फिक्स रहती थी तो अपन फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे लेंथ ही निकलना है तो वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो. अगर डायरेक्ट फॉर लूप वाइल लूप से हो रहा होगा तो अपन वैसा कर लेंगे, या तो अपन कलेक्शन फ्रेमवर्क में से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे. कोई भी चार में से अपन चार मोस्टली अपन यूज़ करते हैं, उनमें से अपने को कोई एक देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में कुलता लगेंगे. हैश सेट, हैश मैप, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, ये चारों में से लगेंगे. तो अपन प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू का तो कुछ काम नहीं है, हैश सेट का भी यूनिकनेस कुछ काम नहीं है. हैश मैप यूज़ करेंगे अपन, देखेंगे कि ए कितनी बार है बी कितनी बार है, तो उसके हिसाब से देख लेंगे अपन, उसके हिसाब से लॉजिक लगेंगे. तो सबसे पहले तो ये एक स्ट्रिंग गिवन है ए बी सी ए सी और के इज इक्वल टू 1 गिवन है. तो मैक्स अपन 1 टाइम ऑपरेशन कर सकते हैं कोई भी लेटर को चेंज करने का. जैसे यहाँ पे ए बी सी ए सी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 जब ये ए को अपन सी में चेंज कर देंगे, तो 3 आ जाएगा. अदरवाइज तुम ये बी को ए में करोगे तो 2 ही आंसर आएगा, या ये सी को ये बी है इसको सी में कन्वर्ट करोगे तो सी से 2 ही आंसर आ जाएगा. तो निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कंटेनिंग द सेम लेटर. तो इसका आंसर 3 आ जाएगा. तो अपन इसको हैश मैप में यूज़ करेंगे, तो वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे. दो वेरिएबल, एक तो लूप में चलेंगे, एक जे इज इक्वल टू 0 रहेगा. तो एक आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए एक बार आ गया, फिर अपना लूप स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि आई माइनस जे प्लस 1 माइनस कलेक्शन डॉट मैक्स ऑफ एच एम डॉट वैल्यूज. जो भी मैक्स है कलेक्शन में हैश मैप में, जैसे ए एक बार है बी एक बार है, तो दोनों मैक्सिमम ही है. तो कलेक्शन डॉट मैक्स डॉट एच एम डॉट वैल्यूज, एच एम डॉट वैल्यूज में पूरे वैल्यूज होते हैं, तो जो भी मैक्सिमम रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे तो दोनों मैक्सिमम ही है. तो हमने ऐसा यहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे, तो ए एक बार आ गया बी एक बार आ गया, तो i माइनस जे, जे इनिशियली 0 पे रहेंगे तो i माइनस जे क्या आ जाएगा, आई यहाँ पे, तो 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस कलेक्शन डॉट मैक्स, इसमें से जो भी वैल्यूज है उसमें से मैक्स कौन था 1 ही है, तो 2 माइनस 1 1, वो लेस देन इक्वल टू k है, क्या k की वैल्यू क्या है 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है. तो फिर से अपन i प्लस प्लस को इंक्रीज कर देंगे, यानी अब ये c के पास चल जाएंगे. हैश मैप में अभी a 1 है, b 1 है, c 1 है, तो अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, क्योंकि 2 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 ये फॉल्स हो जाएगा. तो अपन एल्स कंडीशन में जो भी मैक्सिमम आंसर आ रहा है मैट डॉट मैक्स ऑफ वो एक मैक्स में डाल देंगे और यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे जे के ऊपर. अपन ये जे के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, जे बोल तो ये इंडेक्स जो जे पे पॉइंट कर रहा है ना, ठीक है ना, तो इसको अपन ये जो इंडेक्स जे इनिशियली 0 पे रहेगा, तो ये वाले ए को अपन रिमूव करेंगे हैश मैप से. तो वो वाले लॉजिक करेंगे, रिमूव द कैरेक्टर एट इंडेक्स जे इन हैश मैप.
और जे प्लस प्लस कर देंगे, तो सेम लॉजिक है, तो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो हैश मैप बना देंगे अपन, जिसके अंदर अपन एक कैरेक्टर और एक इंटीजर फ्रीक्वेंसी, वो कितनी बार आ गया है, ये कैरेक्टर और ये कितनी बार है। तो इनिशियल तो हैश मैप एम्प्टी होता है, तो हैश मैप ऑफ कैरेक्टर कॉमा इंटीजर एच एम इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। तो हैश मैप बना दिया, हैश मैप कैरेक्टर कॉमा इंटीजर एच एम इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, और एक इंट जे इज इक्वल टू ज़ीरो, दो वेरिएबल लेते हैं अपन, और एक इंट अपना आए जो कि अपन लूप में लगेंगे, ठीक है। तो वाइल जब तक के आई लेस देन एच डॉट लेंथ का, वही अपना सेम लॉजिक अपन हर बार यूज़ करते हैं, वो यहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे, ये से आ यहाँ पे रहेगा, और जब तक के आई लेस देन एच डॉट लेंथ का अपने को करने का है। तो सबसे पहले तो एक तो दो कंडीशन होंगी कि ये जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी हैश मैप में है या ये कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो दो कंडीशन रहेंगी सबसे पहले, ठीक है, दो कंडीशन रहेंगी, एक तो कैरेक्टर हैश मैप में है और या तो नहीं है। तो इनिशियली तो हैश मैप एम्प्टी और अपन यहाँ से लूप स्टार्ट कर रहे, तो वो तो हैश मैप पे रहेंगे ही नहीं, तो अपन लेकिन कंडीशन दोनों लिखेंगे, क्योंकि आगे ये देखो आगे तो ए आ ही रहा है ना, ये मतलब यहाँ पे होंगे ही ना, फिर वो ऐसे रिपीट तो होंगे ही ना बाद में। तो सबसे पहले देखेंगे कि हैश मैप में है कि नहीं है। इफ़ एच एम डॉट कंटेंस की एस डॉट कैर एट आई, अगर है तो एक लॉजिक लिखेंगे, अगर नहीं है तो दूसरा लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। एल्स तो इसको अपन नीचे कर देते हैं, ठीक है, अब बढ़िया। तो सबसे पहले तो दो लॉजिक, अगर एच एम में एच एम डॉट कंटेंस की एस डॉट कैर एट आई, तो उसके लिए लॉजिक लिखेंगे या तो एल्स में चल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इफ का लॉजिक अपन बाद में लिखते हैं, एल्स में पहले लिखते हैं, क्योंकि अपने को मालूम है हैश मैप अपना एम्प्टी है अभी इनिशियली, ठीक है। तो अभी अपन हैश मैप में ऐड करेंगे फिर। तो इफ एच एम डॉट कंटेंट्स की, तो उसके लिए अलग लॉजिक लिखेंगे, और एल्स में क्या करेंगे, एच एम डॉट पुट पुट करते हैं, यानी उसके अंदर अपन ऐड कर रहे हैं एच डॉट कैर एट आई, ये ऐड करेंगे कॉमा फ्रीक्वेंसी। तो अभी तो ऐड ही कर रहा है ना, तो वो एक ही बार है, ठीक है ना। अगर होता था तो वो पहले जितनी बार कैरेक्टर प्लस वन करते थे, वहाँ पे यहाँ पे अपन फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे, तो एच डॉट कैर एट आई कॉमा वन, तो अपन ने हैश मैप के अंदर तो ऐड कर दिया अभी। तो ये जो सेम लॉजिक है आई माइनस जे प्लस वन, ये वाला अपन लॉजिक चेक करेंगे कि इफ आई माइनस जे प्लस वन माइनस कलेक्शंस डॉट मैक्स ऑफ एच एम डॉट वैल्यूज़, इसका मतलब क्या है, जो भी एच एम हैश मैप में, हैश मैप के अंदर एक की वैल्यू, एक की होता है, एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो एच एम डॉट वैल्यूज़ यानी पूरे वैल्यूज़ चेक कर लेगा हैश मैप में, और जो भी मैक्स है वो रिटर्न करेगा। जैसे इसके अंदर बी एक बार है, ए एक बार है, लेट से ए दो बार होता था, बी एक बार होता था, तो कलेक्शन डॉट मैक्स एच एम डॉट वैल्यूज हमें रिटर्न टू करता था, जो भी मैक्सिमम ऑफ वैल्यूज है वो रिटर्न करता था। तो इफ आई माइनस जे प्लस वन माइनस कलेक्शंस डॉट मैक्स ऑफ एच एम डॉट वैल्यूज, अगर वो लेस देन इक्वल टू के है, तो अपन कुछ ऑपरेशन करेंगे या तो अदर ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको एक मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये इसका ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये यहाँ पे, और ये इफ का यहाँ पे। तो लेस देन इक्वल टू के है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा, लेस देन इक्वल टू के है मतलब अपन आई प्लस प्लस कर सकते हैं, है ना, यानी ए अपन ने ऐड कर दिया, फिर ये चेक करेंगे लॉजिक, तो ये लॉजिक सही है, बरूबर है। तो मतलब लेस देन इक्वल टू के है, तो अपन आई प्लस प्लस करेंगे, यानी बी भी ऐड करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, सी भी ऐड करेंगे, सी ऐड करेंगे ना, जब देखेंगे अपन कि ये वाला लॉजिक रन नहीं हो रहा, तो फिर अदर लॉजिक लिखेंगे। तो अभी क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो, या एल्स में अपन क्या करेंगे, एल्स में मैंने क्या बोला था कि अपन जे के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। तो अभी क्या करना है, हमें ये फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव करना पड़ेगा,
क्योंकि हमें एक आंसर तो आ गया है, तो वो एक आंसर स्टोर कर देंगे और जे के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, जो एलिमेंट जे जो इंडेक्स पे है ना वो एलिमेंट को रिमूव कर देंगे हैश मैप से, वो हर बार जो ऐसा अपन करते हैं ना वैसे ही सेम। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लेते हैं एंट मैक्स, जो कि इनिशियल रहेगा 0 पे, ठीक है। तो एल्स में अपन आंसर डाल देंगे मैक्स इज इक्वल टू मैट डॉट मैक्स ऑफ आई माइनस जे कॉमा मैक्स। तो ये आई माइनस जे अपन प्रॉपर कर रहे हैं, ये देखो आई का पे रहेगा ए बी सी, जब वो सी पे आ जाएगा ना तो आई यहाँ पे रहेगा, और मैक्सिमम इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम बताओ। अगर तुम्हारे पास स्ट्रिंग सिर्फ ए बी सी है और के इज इक्वल टू 1 है, तो तुमको लॉन्गेस्ट रिपीट तुमको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग होना कंटेनिंग द सेम लेटर, ठीक है। तो अपन ए के टाइम है ना कोई भी कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, तो ये अपन बी को ए में कन्वर्ट कर देंगे, यानी अपना मैक्स आंसर तो 2 ही आएगा ना, है ना। और अब अपन ने लॉजिक क्या लिखा है कि आंसर में आई कॉमा जे कॉमा मैक्स, तो इनिशियली मैक्स 0 है और आई कॉमा जे बोल तो आई अब जे सी पे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने जब बी पे था तो आई प्लस प्लस कर दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा। आई अभी 2 पे पॉइंट कर रहा है, जे अभी 0 पे पॉइंट कर रहा है, तो आई माइनस जे 2 आ रहा है, तो अपन ने राइट लिखा है आई माइनस जे प्लस 1 लिखने की गरज नहीं। तो अभी जे जे के ऊपर ऑपरेशन करेंगे अपन। तो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट जे इज इक्वल टू 0 है ना, तो जे अभी ये एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है, ये कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा है। तो ये कैरेक्टर हैश मैप में कितनी बार है, अगर एक से ज़्यादा है लेट से ए इज ए 2 बार है अभी तक के अपन ने जो भी किया है ना, जो भी हैश मैप में किया है ना, ऐसा इमेजिन करो कि ए 2 बार है, तो अपन क्या करेंगे ये कैरेक्टर को रिमूव करेंगे, तो ए 1 बार हो जाएगा। अगर जो कैरेक्टर है वो 1 ही बार होता तो उसको अपन हैश मैप से रिमूव कर देते थे, अगर कैरेक्टर एक से ज़्यादा बार है तो उसको अपन फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज बाय 1 करेंगे, ठीक है। तो वो और लॉजिक लिखते हैं अभी, ये देखो इसके अंदर ये लॉजिक लिखेंगे कि इफ एच एम डॉट गेट ऑफ एस डॉट कैर एट एट जे, अगर एच एम डॉट गेट ऑफ एस डॉट कैर एट एट जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो अपन वो फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे या तो वो एलिमेंट को ही रिमूव कर देंगे, ये वाला ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है तो अपन क्या करेंगे एच एम डॉट पुट एस डॉट कैर एट एट जे कॉमा एच एम डॉट गेट ऑफ एस डॉट कैर एट एट जे -1, ठीक है ना। ये तो बेसिक लॉजिक है हैश मैप का, ठीक है। बराबर लिखा है एच एम डॉट पुट एस डॉट कैर एट एट जे कॉमा एच एम डॉट गेट ऑफ एस डॉट कैर एट एट जे -1, तो अपन ने उसके फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस बाय 1 कर दिया। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो एच एम डॉट रिमूव एस डॉट कैर एट एट जे कर देंगे अपन, ठीक है। अगर वो 1 ही बार है तो सीधा उसको ही रिमूव कर देंगे अपन, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये सबसे पहली बात तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन होने को, क्योंकि अपन क्या चेक कर रहा है कि अगर कोई भी कैरेक्टर 1 बार है तो सीधा उसको ही रिमूव कर दो, अगर वो 1 से ज़्यादा बार है तो उसकी फ्रिक्वेंसी रिड्यूस बाय 1 कर दो, ठीक है। तो हमने ऐसा किया, ओके। और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे जे प्लस प्लस, और सिमिलरली ये अपन आई पे भी करेंगे। आई पे क्यों करेंगे अपने को बाद में मालूम पड़ेगा, ये देखो कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट। तो ये एच एम डॉट गेट ऑफ एच डॉट कैर एट एट आई अगर ग्रेटर देन 1 है तो एच एम डॉट पुट आई एच एम डॉट गेट ऑफ एच डॉट कैर एट एट आई कॉमा -1, या डायरेक्टली वो 1 ही बार है तो उसको ही रिमूव कर दो। तो ये क्यों करेंगे मैं बताऊंगा। जैसे हमने किया क्या है, ए बी सी तीनों को ऐड करने के बाद में ये कंडीशन फेल हो रही थी, तो हमने क्या किया सबसे पहले तो जे वाले इस पे ऑपरेशन किया, जो इंडेक्स जे पे है सबसे पहले तो ये एलिमेंट को रिमूव कर दिया, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 1 से ज़्यादा बार है तो फ्रिक्वेंसी को कम किया, अगर 1 ही बार फ्रिक्वेंसी है तो उसको वो एलिमेंट को ही रिमूव कर दिया, यानी हैश मैप में ए 1 बार वो है ही नहीं। और सिमिलरली ये आई वाले इसके भी ऑपरेशन किया,
क्या किया, अगर सी एक से ज़्यादा बार है तो फ्रीक्वेंसी कम किया, अगर सी एक ही बार है जैसे यहाँ पे एक ही बार है तो इस सी को भी रिमूव कर दिया और जे को जे प्लस प्लस किया, आई अभी भी वहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हमने कर दिए, ठीक है। अभी सिमिलरली ये सेम ऑपरेशन अपन इफ़ के अंदर करेंगे, तो ये मैं पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये देखो हमने एक इफ़ लिखा था सबसे पहले और एक एल्स लिखा था, तो एल से जो भी लिखा है ना उतना पूरा कॉपी करता हूँ एंड तक। ये देखो ये एक मिनट, तो ये पूरा एल्स का मैंने इतना पूरा कॉपी किया है, ये जो एल्स में जो भी लिखा ना वो कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो एक एक्स्ट्रा ये आ गया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो बरोबर इफ का आने को ना, हाँ ठीक ये आ गया। तो अब क्या करूँगा, तो कॉपी कर दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एच एम डॉट पुट, अगर वो कोई कैरेक्टर ऑलरेडी हैडसेट में है तो उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ेंगे। तो एच एम डॉट पुट एच डॉट कैरेट एट आई और एच एम डॉट गेट ऑफ एच डॉट कैर एट एट आई प्लस वन, और फिर से चेक करेंगे कि आई माइनस जे प्लस वन माइनस कलेक्शन डॉट मैक्स लेस देन इक्वल टू के है क्या, और आई प्लस प्लस कर देंगे एल्स जो भी मैक्स वैल्यू वो निकाल लेंगे, और सेम जे पे ऑपरेशन करेंगे, आई पे ऑपरेशन करेंगे एंड आखिर में आंसर हमें रिटर्न करना है। तो रिटर्न आंसर, तो रन, तो यहाँ पे 59 लाइन, यहाँ पे एक ब्रैकेट एंड देन 29 में ब्रैकेट एंड देन रन। तो रिटर्न अपन आंसर कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल हमने मैक्स लिया है तो मैक्स करेंगे। तो ये वाला रिटर्न हमें इसके बाद लिखना पड़ेगा, कट और ये पेस्ट, ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये वाइल वाइल जो लूप लगाई है, तो यहाँ पे हम रन करेंगे। तो आखिर में अपन है ना मैट डॉट मैक्स ये करेंगे, मैट डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा आई माइनस जे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी देखा है कि आई माइनस जे अगर लेट्स से एग्जांपल ए ए ए ए ये चार ए आ जाते हैं, ठीक है, तो वो एल्स में कभी आएंगा ही नहीं, डायरेक्ट ये वाइल लूप के अंदर रहेगा। ए ए हमारे पास स्ट्रिंग चार ए है, तो वो वाइल लूप के अंदर रहेगा पहले चार ए के बाद, और आई प्लस प्लस करते जाएंगे एकदम एंड में आ जाएगा फिर वो। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा मैट डॉट मैक्स ऑफ मैक्स जो कि इनिशियल रहेगा 0 और आई माइनस रहेगा 4, तो अब आंसर करेक्ट रहेगा। तो एक्सेप्ट हो गया, देन सबमिट। ये हैडसेट केस में ऑलरेडी है बताया था, बस सबमिट। तो कुछ नहीं है, लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट वही है, स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो, फिर हैश मैप यूज़ किया हमने। तो सबसे पहले तो वही ए बी देखते जा रहे हैं, ये हमने हैश मैप में डाला है, चेक कर रहे हैं कंडीशन की, जो हमको कंडीशन दी है कि के टाइम से तो कोई भी ऑपरेटर को चेंज कर, कोई भी कैरेक्टर को अपर केस में दूसरे कैरेक्टर में चेंज कर सकते हो। फिर हमने बी को हैश मैप में डाला और कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर डबल से ए को डाला, फिर डबल से बी को डाल दिए, और आखिर में अपन ये वाला रिटर्न कर रहे हैं। तो वही है, एल्स में कंडीशन क्या आएंगी, मैक्स हम स्टोर कर रहे हैं और फिर से जे पे ऑपरेशन करेंगे और आई पे ऑपरेशन करेंगे। तो अभी एक्चुअली हम ये आई को ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, देखो तो ये देखो हमने जे को तो रिमूव कर दिया है, अगर जे की फ्रिक्वेंसी एक से ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज़ किया है या तो जे को रिमूव कर दिया है, अगर आई को भी हम रिमूव कर, यहाँ पे हम आई को भी रिमूव कर रहे हैं, आई की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम कर रहे हैं या आई को सीधा रिमूव कर रहे हैं अगर फ्रिक्वेंसी 1 है तो।
तो हम आई को रिमूव क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल क्या था, ए बी ए बी सी ए, ठीक है, तो हमने ए को ऐड कर दिया, बी को ऐड कर दिया, सी को ऐड कर दिया, तो सी पे एल्स के कंडीशन में आ जाएगा, तो ये जे पे ऑपरेशन कर लिया, यानी ये ए को रिमूव कर दिया और फिर से हमने सी को रिमूव किया। लेकिन जब वो वाइल लूप में आएगा ना, जब वो वाइल लूप में आएगा ना, तो आए वो सी पे ही पॉइंट कर रहा है, तो फिर से उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो इसलिए हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हम बाद में उसको फिर से ऐड कर रहे हैं, ठीक है।